शरद कुमार अग्नोत्री NM न्यूज। गायत्री ज्वेलर्स जो काफी समय में कोर्ट का मामला चल रहा था, आज हाई कोर्ट ने इन्हें इस दुकान पर मालिक को किया है। इसके दौरान आज दुकान को प्रशासन खुलवा रहा है। 25 साल से ये मामला चल रहा था कोर्ट में। मकान मालिक जो है जिस पर लोगों ने कब्जा किया था वो भी आज बता दें कि क्या कब से मामला ये चल रहा है? 20 साल से चल रहा है। 20 साल से चल रहा था ये कैसे कब्जा इन्होंने किया था? गायत्री ज्वेलर्स कब्जा है जबरदस्ती किया हुए। अच्छा, आपने किराया वगैरह दिया था क्या? नहीं, हमने नहीं दिया। ऐसे चलेगा, दुकान किराए दिए थे, उसके बाद में इन्होंने खाली करने से मना कर दिया था, हम फिर करेंगे। अच्छा, दुकान किराए से दिया था आपने। 25 साल लगे आपको जी कोर्ट के इस फैसले से, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। प्रशासन पूरा आपका साथ दे रहा? पूरा प्रशासन। SDM साहब भी आए हैं आपके लिए। सभी अधिकारियों को बहुत धन्यवाद जी, पूरा प्रशासन साथ दे रहा है। देखिए यहाँ राजेश जी काफ़ी खुश हैं, 25 साल के बाद कोर्ट ने इनको आज अपनी दुकान जो है कब्जा मुक्त करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पर SDM साहब भी हैं। राजपूत जी ने कब्जा किया था क्या किसी दुकान किराए से दी थी? हाँ, कब्जा कर रखा था। कब्जा कोर्ट में फैसला चला इनका। अच्छा, काफी लंबे समय बाद इनको कोर्ट ने, हाँ काफी लंबे समय के बाद इनको कोर्ट में फैसला, इनके पक्ष में फैसला हुआ राजेश जी के, और प्रशासन भी इनके साथ में है। प्रशासन पूरा साथ दे रहा जी, प्रशासन पूरा साथ दे रहा। आपके SDM साहब भी हैं। देखिए आज कोर्ट के द्वारा 25 साल के बाद इनसे को गायत्री ज्वेलर्स के द्वारा कब्जा हटा है, और आज कहने की बात है कि आज इनके घर में काफ़ी खुशी, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट इसको आ गया है इनके हक में, क्योंकि ये 25 साल से कब्जे में। आप कुछ बताना चाहते हैं? वकील साहब इधर। मेरे 25 वर्षों बात कर रहे हैं भाई। हम लोग हैं सर, मीडिया वाले हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं।